स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मर्स ऑफ साइकिल वॉल के। इसके कन्फर्मर्स भी पढ़ेंगे, न्यूमन प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, जो भी नॉर्मल अल्केन का सिस्टम था वो हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, साइक्लिक सिस्टम ऑफ द अल्केन। तो ये साइकिल अल्केन वाले हम पढ़ेंगे। अभी बात आती है रोटेशन की, उसमें रोटेशन जो थी नॉर्मल अल्केन में वो रोटेशन फ्री थी, वो रोटेट कर रहे थे। लेकिन ये जो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोअल्केन, यानी कि साइक्लोअल्केन जो है, यानी कि साइक्लिक सिस्टम में क्या होगा कि जो रोटेशन होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज के ये जो है ना प्लेन में होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स प्लेन में होती हैं। तो प्लेन ट्रेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, और उससे पेंटेन में, हेक्सेन में और सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इससे रोटेशन जो होती है वो मिनिमाइज होती हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे इनमें कन्फर्मर्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो साइक्लोप्रोपेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो मेंबर है साइक्लो अल्केन का या साइक्लिक सिस्टम का वो है साइक्लोप्रोपेन। तो ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इसको हम अगर ऐसे लिखें, ऐसे तो ये जो इस इधर साइक्लोप्रोपेन है, ये सेम ऐसे हम शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन भी यहां पर कार्बन के साथ। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है इस ये प्लेनर है, लेकिन ट्रेंगुलर प्लेनर है, तो ये प्लेन में है, यानी कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये प्लेनर तो है, लेकिन इसकी जो यहाँ पर एंगल है वो कितनी है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इस फार्मूले से पता चलेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 एन माइनस टू अपॉन एन। तो देखा जाए तो तीन कार्बन यानी कि एन इस जगह पर तीन कार्बन है, तो ये हो जाएंगे 3 माइनस टू तो 1 हो जाएगा, 180 अपॉन एन के 3 तो 60 आ जाएगी। कितना जवाब आया है, तो 60 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, यहाँ लिख लें अपने पास कि ये फार्मूला होता है, हम जो भी एंगल जो प्लेनर मॉलिक्यूल की होती है वो हम निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला ये। तो ये अभी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी साइक्लोब्यूटेन और पेंटेन लिखने हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो अब देखा जाए इस प्लेन में जो एंगल है वो कितनी है, 60 डिग्री है। तो एक साइंसदान था जिसका नाम है बायर। तो बायर ने एक एंगल बताई हमें जिसका नाम है बायर्स एंगल आर एंगल ऑफ स्ट्रेन, बायर्स एंगल आर एंगल ऑफ स्ट्रेन, बायर्स एंगल आर या एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो ये जो इसने बताई है बायर्स, साइंसदान था, उसने हमें बताया कि ये जो प्लेनर मॉलिक्यूल है इनके पास जो एंगल है अपनी एक्चुअल एंगल, ये जो 60 डिग्री है वो तो है, लेकिन ये डेविएट हुई है। कहाँ से डेविएट हुई है, जो भी ये कार्बन है, कार्बन इनकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इनकी तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सेम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि 109.5 एंगल होती है हाइब्रिडाइज्ड एंगल। तो बायर्स ने बताया कि एंगल ऑफ स्ट्रेन जो होती है वो हमारी हो जाती है हाइब्रिडाइज्ड थीटा हम लिख सकते हैं। तो माइनस एक्चुअल थीटा, तो ये अपान में 2 भी कहीं पर लिखते हैं कि यानी कि 2, क्योंकि ये जो दो कार्बन यहाँ पर मिलते हैं तो इनको मिलाने के लिए दो कार्बन के लिए 2 है, लेकिन हम जो है यहाँ पर 2 नहीं लिख रहे क्योंकि 2 अगर कहीं 2 पर जाएंगे, इतना ज़्यादा जाएंगे डीप में तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, इसकी जो
ये हाइब्रिडाइज्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, ये भी ठीक है एंगल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। ये भी हम आजकल जो है मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है। तो ये एंगल ऑफ स्ट्रेन है। तो आप देखेंगे कि एंगल ऑफ जो स्ट्रेन है, एंगल ऑफ स्ट्रेन वो क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन जो नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन की है वो क्या है कि हाइब्रिडाइज एंगल कितनी होगी इसकी, ये तीनों क्या है sp3 हाइब्रिडाइज sp3। तो sp3 भी क्या होती है 109.5 होती है। तो माइनस कितनी है एक्चुअल एंगल इसकी, अब क्या है प्लेनर में, तो ये 60, तो ये हो जाएगी अब 49.5 हो जाएगी। तो ये जो है ये एंगल ऑफ स्ट्रेन, ये क्या है, ये एंगल ऑफ स्ट्रेन है। तो अब आते हैं कि इसका जो न्यूमन प्रोजेक्शन होगा वो कैसे होगा। अब ये जो डेविएशन हो रही है ये हाइब्रिडाइज एंगल से, ये जो बन रही है प्लेनुलर एंगल, तो ये इसका जो सब्ट्रैक्शन है, इसका जो डिफरेंस है वो है एंगल ऑफ स्ट्रेन। जो एंगल ऑफ स्ट्रेन होगी वो मजबूर करेगी, ये सफर है फ्रॉम दी एंगल ऑफ स्ट्रेन दिस मॉलिक्यूल दिस साइक्लोप्रोपेन। तो ये क्या करेगा कि ये जो है ये बांड जो आप देख रहे हैं, ये बांड हकीकत में ये बांड नहीं है जो प्लेनर में, क्योंकि ये जो बांड चेंज हो जाते हैं, ये बांड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है इसको चेंज कर देती है, एंगल ऑफ स्ट्रेन चेंज कर देती है। तो ये जो है हमारा ये ऐसा है, ये है प्लेनर, प्लेनर में प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो अब ये चेंज हो जाएंगे, ये जो कार्बन यहाँ पर भी कार्बन है, तो इन दो हाइड्रोजन भी है जैसे कि इधर हमने लिखा है। तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा, इसमें ये ऐसे ही रोटेट कर जाएंगे, ऐसे ही रोटेट कर जाएंगे, सॉरी थोड़ा और कर देते। तो इसमें ये जो है प्लेनर है, तो ये प्लेनर, इसमें बनाना टाइप के बांड आ जाएंगे, कौन से बनाना टाइप के बांड आ जाएंगे, ये बनाना टाइप के बांड आ जाएंगे। इधर ये दो हाइड्रोजन और इधर भी सेम, और इधर इधर भी दो हाइड्रोजन। तो ये अब क्या है, ये अब स्टेबल है देन दिस प्लेनर के हिसाब से। ये क्यों हो रहा है बनाना टाइप बांड, क्यों बन रहा है, ड्यू टू द एंगल ऑफ स्ट्रेन। ये जो मॉलिक्यूल है प्लेनर, ये सफर हो रहा है फ्रॉम दिस एंगल, एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो ये इसकी हालत जो है प्लेनर की अब नहीं रहेगी, ये इसमें तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर ये स्टेबल है, कुछ ना कुछ स्टेबल है। अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं हम साइक्लो ब्यूटेन की तरफ। तो साइक्लो जो ब्यूटेन है उसको देखते हैं, तो उसको यहीं पर देख रहे हैं। ये है CH2, ये CH2, तो ये है, यानी कि R हम लिख सकते हैं कि इसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो डिग्री है वो 90, ये भी आप निकाल सकते हैं जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया। तो ये है 90 डिग्री है इसकी, तो 90 यहाँ पर है। तो ये जो ओरिजिनल इसकी जो कार्बन की हाइब्रिडाइज एंगल है वो है सेम 109.5। तो ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, तो कुछ ना कुछ कम एंगल ऑफ स्ट्रेन मिलेगी, कुछ ना कुछ कम एंगल ऑफ स्ट्रेन मिलेगी। तो इसकी जो एंगल ऑफ स्ट्रेन मिलेगी हमें, हम एक से लिख सकते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन, तो वो हमें कितनी मिलेगी इसके, तो ये होगा 109.5 - 90। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 90.5। तो ये एंगल ऑफ स्ट्रेन जो है ये इससे कुछ ना कुछ कम है। तो ये इसकी जो, ये जो एक कार्बन है इसका, एक कार्बन इसका जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा ये प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर वाला है, ये जो है ये अब चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, ये बेंट स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, ये बेंट स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, ये 1 carbon 2 3 4। तो ये हो जाएगा, अब ये जो कार्बन है इसका, एक कार्बन जो है इसका वो क्या हो जाएगा कि आउट ऑफ द प्लेन है, इसका एक कार्बन ये जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हटकर है। तो ये एक कार्बन इसका,
और अब ये जो है बैंक स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन सी है बैंक, तो ये जो बैंक है ये ज्यादा स्टेबल होगी इससे। लेकिन हमने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है वो क्या देखना है, इन जो ये दो साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन आगे चलकर उनमें देखना है कि ज्यादा कौन स्टेबल है। तो अब चलते हैं साइक्लोपेंटेन की तरफ। तो अब आते हैं साइक्लोपेंटेन पर, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है कि ये जो CH2 ये साइक्लोपेंटेन है, आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है साइक्लोपेंटेन। अब इसमें देखेंगे कि एंगल कितनी है, एंगल इसमें 108 है, इसमें एंगल कितनी है 108, यानी कि सब के सब में एंगल 108 है। तो ये जो है साइक्लोपेंटेन इसकी जो एंगल ऑफ स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी, एंगल ऑफ स्ट्रेन इसकी होगी 1.5। तो इसमें सबसे लिस्ट में एंगल ऑफ स्ट्रेन बन रही है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, आगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये क्या है कि ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये जो है ये चेंज हो रहा हो जाएगा प्लेनर से किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू द एनवेलोप स्ट्रक्चर में। कौन सी एनवेलोप स्ट्रक्चर में, एनवेलोप जो होता है उसमें ये चेंज हो जाएगा, ये एनवेलोप में चेंज हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि एनवेलोप जैसे मैसेज आप देख रहे हैं ये पुराने जमाने में जैसे लेटर को भेजते थे उसमें एनवेलोप में डालकर अंदर, ठीक है। तो ये एनवेलोप, ये एनवेलोप ज्यादा ये यानी कि असली जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से 3 डायमेंशन वो ये होगी, ये नहीं होगी, ये जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाता है, ड्यू एंगल ऑफ स्ट्रेन 1.5 डिग्री से एंगल ऑफ स्ट्रेन पे। तो ये ही अब देखना है हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ स्ट्रेन पे, एंगल ऑफ स्ट्रेन पे, एंगल ऑफ स्ट्रेन पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है एंगल ऑफ स्ट्रेंथ से, एंगल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो क्यों स्टेबिलिटी एंगल ऑफ स्ट्रेन, जो एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है वो ही उस मॉलिक्यूल को जो है वो डेविएट जो हो रही है वो एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है, और वो स्टेबिलिटी से इनवर्स में होती है, यानी कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जो होगी, अनस्टेबिलिटी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी एंगल ऑफ स्ट्रेन, जितनी एंगल ऑफ स्ट्रेन उतनी अनस्टेबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि साइक्लो जो पेंटेन है मोर स्टेबल देन द साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन दिस वन इज मोर स्टेबल देन द साइक्लो प्रोपेन, तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है। यानी कि जो हमने अभी देखी एंगल ऑफ स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें थी 49.5 और इसमें थी 19.5, तो इसमें 1.5 थी। तो ये जो है साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन से। अगर देखा जाए नॉर्मल अल्केन से तो नॉर्मल अल्केन वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी, यानी कि ये जो साइक्लिक वाला सिस्टम है इससे स्टेबल कौन होंगे, वो जो नॉर्मल वाले। लेकिन इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब चलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन की तरफ, न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ द साइक्लिक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। अब न्यूमन प्रोजेक्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो है फ्रंट है ये क्या है, फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर है, ये क्या है रियर कार्बन। तो सबसे पहले मैं जो है वो ये जो डॉट वाला है वो हमने क्या पढ़ा था पहले भी, ये के फ्रंट है, तो फ्रंट वाला जो है इसके हिसाब से ये दो हाइड्रोजन इस पर लगे हुए और ये अटैच है विद एन अदर कार्बन थी, तो इसके जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन इसके, तो ये फ्रंट वाले से ये अटैच है,
तो रियर वाला ये जो रियर वाला है ये वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो ये रियर वाले की दो हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन उस ये जो है और भी कनेक्टेड विथ दिस कार्बन से, तो इसको हम ऐसे शो कराएंगे, तो ये इधर से इस पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये आप नहीं कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन दिस कार्बन, नहीं डबल बॉन्ड नहीं, ये जो है ये वाला बॉन्ड जो है हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये जो है ये है, तो इसमें देखिए कि ये एक लिफ्ट हाइड्रोजन है, क्योंकि इनकी जो एंगल ऑफ स्ट्रेंथ जो थी वो हमने पहले बताई, लेकिन इधर क्या हो रही है और भी जो हम पढ़ के आए थे ट्रांजिशन वो हो रही है, तो ये भी दो हाइड्रोजन है इनमें भी हो रही है, तो ये देखो जुड़ जाएंगे कुछ से कुछ अपने आप को रिपेल करेंगे तो डेविएट हो जाएंगे। तो ये आप इसकी देखें तो इसकी ये ऐसे ही होगी, ये कार्बन है सी एच टू और ये सी एच टू, तो ये आ जाएगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर भी ये हाइड्रोजन, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो कुछ ना कुछ ज़्यादा यहाँ पर होगा ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो रिपल्शन है वो ज़्यादा, तो ज़्यादा होने की वजह से ये डेविएट ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये हो गया। ये अब साइक्लो ब्यूटेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी एच टू और इसकी सी एच टू और ये यहाँ पर भी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा सी एच टू, तो ये इधर से ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आएगी लेकिन यहाँ से यहाँ पर आएगी, यानी कि ये कुछ ना कुछ स्टेगर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ये कुछ ना कुछ स्टेगर्ड फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ये मोर इक्लिप्स्ड है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो मोर इक्लिप्स्ड है, इनमें फ्यू इक्लिप्स्ड है, फ्यू इक्लिप्स्ड, कुछ ना कुछ सेपरेशन हो रही है, तो जो रिपल्शन है इंटरेक्शन वो कम हो रहा है, तो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ स्टेबल है, यानी कि स्टेगर्ड है, ये स्टेगर्ड है, तो ये ही है न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ दी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लो, अगर आपसे कोई पूछ सकता है तो ये ऐसे बताएंगे। ये जो है इनके लिए हाइड्रोजन छः हैं, इसमें कितने हैं, इसमें इसमें जो है वो है आठ, दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो इसमें कितने, इसमें आठ है, लेकिन जो आठ की जो प्रोजेनल स्ट्रेन है और इसकी जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो अगर मिलाएं टोटल करें तो जो स्ट्रेन हो रही है यानी कि रिपल्सिव इंटरेक्शन वो सेम हो जाएगी, इसके अलावा इसके नॉर्मल प्रोपेन से और सॉरी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की टोटल जो स्ट्रेन हो रही वो सेम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें बनाना टाइप बॉन्ड बन रहे हैं तो ये लेस स्टेबल है, तो इसमें क्या है, इसमें बेंट स्ट्रक्चर बन रही थी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बेंट में एक जो कार्बन था वो आउट ऑफ द प्लेन था, इसीलिए इनके जो तीनों बॉन्ड थे वो डेविएट हो रहे थे फ्रॉम द प्लेन, तो ये जो है ये ज़्यादा इसी हिसाब से इसमें इन दोनों में ये जो है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में ये कुछ ना कुछ जो रीज़न मिल रहा है हमें, तो ये जो है इसी वजह से बेंट की वजह से इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये तो स्टेगर्ड नहीं बन रहा है, इनकी जो सेपरेशन है वो ज़्यादा हो रही है, अभी भी इनकी सेपरेशन मैंने बोर्ड के हिसाब से कम की है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है, तो ये रहा हमारा लेक्चर, और अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें आगे दूसरों के साथ। खुदा हाफिज़।